हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक धमाकेदार ट्रिक देखने वाले हैं, जिससे कि हेल्प से हम ऐसे क्वेश्चन जब हमारा क्यूब रूट होगा, या तो फ्रेंड हमारा फोर्थ रूट होगा जैसे यहाँ पे, या तो हमारा फ्रेंड फिफ्थ रूट होगा, या कोई भी रूट रहे, हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपने अगर पहली दो वीडियो नहीं देखी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें मैंने स्क्वायर रूट के बारे में बताया था, तो वो वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट के बारे में बताया था, जो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। ये वाला थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो अगर आपने वो वीडियो देखी रहेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, तो ये मेथड बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो फ्रेंड, जब कभी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए ना, हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है यहाँ पे नंबर कौन सा है, किसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं बार बार। तो यहाँ हमारा नंबर कौन सा है, 29, तो उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लो 29। अब क्या करना है, अब हमें सारा खेल पावर में करना है 29 के, तो हमने 29 की पावर के लिए डंडा लगा दिया। अब क्या करेंगे, तो इस पावर का जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर ऊपर वाला जो होगा, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर पे चेक कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कौन सा क्यूब रूट है, कौन सा रूट है, मतलब क्यूब रूट नहीं, यहाँ तो क्यूब रूट है ही, कौन सा रूट है, तो यहाँ पे थर्ड रूट है ना, क्यूब रूट है, तो हम जो रूट रहेगा वही लिखेंगे। जैसे क्यूब रूट है तो हमने 3 लिख लिया, फोर्थ रूट होता तो हम 4 लिख लेते, अगर 5 होता तो 5 लिख देते, जो होता वही लिख देना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इसका पावर हमें कुछ लगाना रहेगा। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, जब स्क्वायर रूट था तो हम 2 लगा के पावर कर देते थे, तो वो पावर क्या रहता था, वो पावर यही रहता था ना, कितने टाइम्स ये रूट किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 डंडे हैं, तो इसका मतलब 4 बार रूट किया गया है। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 बार 29 लिखा हुआ है, तो इसलिए 4 बार रूट लगाया गया है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक तो सेम एज इट इज़ हो गया। अब लेकिन फ्रेंड, यहाँ से चेंजेस है। ठीक, यहाँ पे चेंजेस क्या आ जाएंगे हमारी जो पुरानी ट्रिक थी उससे, कि यहाँ से हम जो करेंगे अब इसको ऐसे करेंगे, यहाँ हमारा क्या था, क्यूब रूट था, इसलिए 3, अब पावर 0 लगाओ, प्लस करो, 3 की पावर 1 करो, प्लस 3 की पावर 2 करो, प्लस 3 की पावर 3 करो। नहीं समझ में आया कैसे, मैं बता रहा हूँ फिर कि हमें क्या करना है, पहले तो 29 लिख लेना जो नंबर है, उसके बाद क्यूब रूट है इसीलिए 3 लगाओ, पावर में उतने टाइम्स लिखेंगे जितने टाइम्स हमारा रूट किया गया रहेगा, जितने टाइम्स हमारा ये नंबर लिखा रहेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए 4 टाइम्स ये नंबर है ना, तो 4 टाइम तक जाना है हमें, जो नंबर रहेगा यहाँ पे बेस में वही चीज़ लिखते हुए 3 की पावर 1 2 3 तक जाना है, 4 टाइम तक नहीं जाना है, इससे एक कम बार जाना है। समझ में आया ना फ्रेंड, एक कम बार इसी को सम करते हुए जाना है। तो ये जो हुआ फ्रेंड, ये जो इतना आया है रिजल्ट, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसको वही 29 के पावर लगा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड, ये हो जाएगा 3 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है, 3 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, एंड 3 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 27 हो गया, अपॉन में 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 9 1 10 3 13 7 20 20 40 30, 40/81 ये हमारा रिजल्ट आएगा इसकी वैल्यू। तो यही चीज़ इसके वैल्यू पावर में कर देंगे तो हमारा आंसर होगा, दैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 29 की पावर 40/81। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया ना फ्रेंड, अगर नहीं समझ में आया तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, तो यहाँ हमारे बेस में कौन सा नंबर है, 9, तो 9 हमने लिख लिया। अब इसके पावर में जाना है, कौन सा रूट है, फोर्थ रूट है, तो 4 लगाओ, और कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 लगाओ। अब पावर न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, 4 की पावर 1 बार 0 लिखेंगे, 4 की पावर 1 बार 1 लिखेंगे, 4 की पावर 1 बार 2 लिखेंगे, हम 2 टाइम्स ही जाएंगे, मतलब 2 तक ही जाएंगे फ्रेंड, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 है, इससे एक कम बार जाना है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और 4 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 4 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 1 मतलब 4 हो गया। अब यहाँ पे 16, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 16 4 20 21, तो 21/64 ये हो गया। अब यही हो जाएगा हमारा आंसर, दैट मीन्स 9 की पावर 21/64 ही हमारा आंसर है। समझ में आया ना फ्रेंड, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो अब क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, लेकिन यहाँ एक थोड़ी ट्विस्ट है क्वेश्चन में, कि यहाँ हमारा एन टाइम्स हो गया, अभी तक तो हमें पता था तुमका लिए, अब एन टाइम्स हो गया तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, मैं सब बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो पे बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, 13 है, तो सेम एज इट इज़ हम लिख लेंगे 13। अब इसके पावर में जो खेला लीला करना है हम पावर में करेंगे, पावर में क्या होगा, 5 की पावर, इतना तो आपको सबको पता ही हो गया, 5 की पावर हो गया, लेकिन अब क्या लिखेंगे 5 की पावर में,
फाइव की पावर में फ्रेंड हम क्या करते थे, जितने टाइम्स ये रहेगा वही करते थे ना, तो यहाँ एन टाइम्स से तो हम बस सिंपली एन कर देंगे, यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत अब हमें यहाँ पे होगी, हमें कितनी टाइम्स तक जाएंगे, हम क्या करते थे यहाँ से एक कम बार जाते थे ना, मतलब जीरो फिर वन फिर टू, ऐसे करते करते हम एक इससे एक कम बार जाते थे, तो एक कम कितना जाएगा, तो यहाँ से मतलब हो जाएगा क्या ना एन माइनस वन तक जाएंगे ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि एन में से एक कम करेंगे क्या आएगा एन माइनस वन, तो एन माइनस वन टाइम्स तक जाएंगे। लेकिन फ्रेंड अब इसको सिंप्लीफाई करना तो आसान है नहीं, लेकिन फ्रेंड आपको एक मेथड पता है इसको सिंप्लीफाई करने का, आप जानते हैं कि हम इसको जी पी है, ये तो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसकी हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब आपको पता ही है तो चलिए हम सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड 13 का पावर 5 की पावर एन, ये तो रहेगा एज इट इज़। अब ये हमारा जी पी है, इसको हम पहले यहीं पर सिंप्लीफाई कर देते हैं जैसे यहाँ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म जो है इसको, ये तो 1 है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, ठीक फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो, और डिफरेंस क्या है फ्रेंड, कॉमन जो रेशियो होता है जी पी के लिए क्या होता है कि हमारा जो एक कॉमन रेशियो से सभी नंबर हमारे बढ़ते रहते हैं ना, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पे हमारा वो कॉमन रेशियो 5 है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ठीक। तो कॉमन रेशियो जिसको हम आर से डिनोट करते हैं वो हमारा ये है, और जो फर्स्ट टर्म होता है जिसको ऐसे डिनोट करते हैं वो हमारा ये, तो जी पी में ये दोनों हो गए। और जो सम होता है, सम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर की पावर नहीं आर माइनस वन, ये होता है। तो यही फॉर्मूले का हम यूज़ करके यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो ये इतना बड़ा टर्म दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम यहीं पे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगी ए, तो ए हमारा वन है, ठीक। आर की पावर एन, तो आर की पावर क्या है, आर ये हमारा ये है फाइव, और पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दैट मीन्स आर माइनस क्या है, आर कितना है फाइव माइनस वन दैट इज़ फोर, तो ये होगा, दैट इज़ इसको और जगह सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये हो जाएगा 13 की पावर 5 की पावर n माइनस वन अपॉन 4 इंटू 5 की पावर n। तो ये फ्रेंड हमारा इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर है। थोड़ा टिपिकल लग रहा है ना फ्रेंड, लेकिन यही तरीका है, यही बेस्ट मेथड है। और अगर अभी भी ये आपको समझ में नहीं आया कि ये वाला एग्जांपल हमने कैसे किया है, थोड़ा बहुत डाउट है, तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जहां हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।